हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप पर छाए मुश्किल के बादल अभी छटे नहीं है। हालांकि एक हफ्ते से अडानी ग्रुप के शेयरों में अच्छी खासी रिकवरी देखी जा रही है और सोमवार को भी इनमें तेजी बनी हुई है। दूसरी ओर अडानी ग्रुप ने भी बीते एक महीने में इस क्राइसिस से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। हालांकि अडानी ग्रुप पर आई ये आफत एक बड़ा खतरा पैदा कर रही है। ये खतरा है $1 अरब का, और खतरा इस बात का भी कि क्या अडानी की क्राइसिस से देश की आर्थिक राजधानी मुंबई अंधेरे में डूब सकती है। द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट में इस बात की ओर इशारा किया गया है। इसमें कहा गया कि महज $1 अरब के लिए अडानी ग्रुप ने मुंबई को अंधेरे में डूबने के जोखिम में डाल दिया है, यानी मुंबई की बत्ती गुल हो सकती है। आप सोचेंगे मुंबई की बिजली कटने का अडानी कनेक्शन क्या है? तो बात ऐसी है कि मुंबई को बिजली की सप्लाई अडानी ग्रुप की एक अनलिस्टेड कंपनी अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड यानी AEML करती है। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2020 में AEML ने $1 अरब जुटाने के लिए सीनियर सिक्योर्ड नोट्स जारी किए थे, लेकिन इस $1 अरब के कर्ज की शर्तें बेहद सख्त हैं। AEML मुंबई के 66% कंज्यूमर्स को बिजली की सप्लाई का दावा करती है। रिपोर्ट में कहा गया कि ऐसे में अगर मौजूदा क्राइसिस के चलते AEML अपने $1 अरब के कर्ज पर डिफॉल्ट कर जाती है तो मुंबई की बिजली कटने का खतरा पैदा हो सकता है। फरवरी 2020 में AEML ने $1 अरब की सीनियर सिक्योर्ड नोट्स जारी किए थे। इन पर 3.949% का कूपन रेट ऑफर किया गया था, साथ ही इन्हें सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करा गया था। रिपोर्ट में कहा गया कि इस लोन के शर्तों की ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि AEML एक अनलिस्टेड कंपनी है और ऐसे में बैंक, वित्तीय संस्थान और मार्केट रेगुलेटर्स को शायद इस बात का पता नहीं है कि AEML के डिफॉल्ट होने के परिणाम क्या हो सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने भी इस खबर को शेयर करते हुए ट्वीट किया है कि 85% मुंबई को बिजली की सप्लाई अडानी कंपनी से होती है, जिसने अपने पूरे शेयर कैपिटल को $1 अरब के बॉन्ड में कोलैटरल के तौर पर रख दिया है और इस पर ये डिफॉल्ट कर सकती है। क्या लोगों को पता भी है कि वे कैसे बारूद के ढेर पर बैठे हैं? गौरतलब है कि अडानी ग्रुप पर महुआ मोइत्रा काफी वक्त से खासी मुखर रही हैं और वे बार बार सेबी और सरकार अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों की जांच करने की बात करती रहती हैं। खैर, रिपोर्ट में कहा गया कि $1 अरब के ये नोट्स अमेरिका, भारत या यूरोपियन जोन में नहीं ऑफर किए गए, बल्कि इन्हें एशिया में बेचा गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इसके इन्वेस्टर्स में चीन की ऐसी इकाइयां भी शामिल हो सकती हैं जिनका चीन की सरकार के साथ संबंध हो। AEML के पास मुंबई में 30 लाख से ज्यादा घरों को बिजली देने का लाइसेंस है। इसमें मुंबई और ठाणे के इलाके भी शामिल हैं। रिपोर्ट में खतरा जताते हुए कहा गया कि कंपनी मुंबई के भौगोलिक इलाके के 85% हिस्से में सेवाएं देती है। मुंबई के हर 3 में से 2 घरों को AEML से बिजली मिलती है। खबर में यह भी कहा गया कि बॉन्ड की सख्त कोलैटरल शर्तों के तहत AEML ने अपनी 4 अरब शेयरों की पूरी इक्विटी कैपिटल को गिरवी रख दिया है और कड़ी शर्तों को स्वीकार किया है। ऐसे में अगर AEML अपने पेमेंट्स पर डिफॉल्ट करती है तो मुंबई के लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है। ये सीनियर सिक्योर्ड नोट 2030 में मैच्योर होंगे और बॉन्ड होल्डर्स के पास AEML की अचल संपत्तियों, कुछ चल संपत्तियों, सभी बुक डेट्स, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, रिसीवेबल्स और कमीशन या रेवेन्यू पर पहला हक होगा। साथ ही डेट डिफॉल्ट के हालात में नोट होल्डर्स के पास कंपनी पर मुकदमा करने की आजादी होगी। ऐसे में अगर रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो अडानी ग्रुप की कंपनी AEML के $1 अरब के कर्ज मुंबई पर भारी पड़ सकते हैं। हालांकि हाल के वक्त में अडानी ग्रुप ने बड़े पैमाने पर अपने कर्जों को वक्त से पहले चुकाया है। इनमें $1.11 अरब का शेयरों बदले लिया गया कर्ज भी शामिल है। इसके अलावा दूसरे कई कर्ज भी ग्रुप चुका रहा है या चुकाने की प्लानिंग में है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तर।